एक बार शहर के किसी बैंक में एक अजीबोगरीब चोरी हो जाती है। बैंक के सभी एम्प्लॉय अपना अपना काम करते रहे, लोगों का अपने काम से आना जाना भी रहा। बैंक में किसी भी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई, लेकिन जब शाम को बैंक का लॉकर खोला गया तो देखा कि उसमें सारा कैश गायब है। इसकी तहकीकात के लिए डिटेक्टिव बीरबल को बुलाया जाता है। आखिरी बार लॉकर कब खोला गया था? बैंक का मैनेजर कहता है, बैंक खुलते ही लॉकर खोला था, तब सारे पैसे थे उसमें। हाँ, उसमें सारे पैसे थे। यह लॉकर तुम्हारे अलावा और कौन खोल सकता है? मेरे अलावा उस लॉकर को बैंक के एम्प्लॉय खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें लॉकर खोलने के लिए मेरी अनुमति चाहिए होती है। मुझे आपके सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करनी है। जब सुबह से शाम तक की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। डिटेक्टिव बीरबल को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वे फिर से उस रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं। फिर वे दूसरे नंबर के एम्प्लॉय से पूछते हैं, तुम नीचे क्यों झुके थे? सर, मेरा पेन गिर गया था, उसे ही उठाने के लिए झुका था। ठीक है। गौर से देखने पर पता चलता है कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में छेड़खानी की गई है। क्या आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब? इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। चलिए बताते हैं इस सवाल का जवाब। बैंक में अजीबोगरीब चोरी हो जाती है और लॉकर के टूटे बिना लॉकर का सारा पैसा चोरी हो जाता है। जब सीसीटीवी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो उसमें गौर से देखने पर पता चलता है कि जब एम्प्लॉय उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तब उस समय एक छोटी सी मकड़ी अपना जाला बुनने के लिए शुरुआत करती है, और जब एम्प्लॉय पेन उठाकर अपनी जगह बैठता है तब उस मकड़ी का बड़ा सा जाला बनकर तैयार हो जाता है। यह कैसे संभव है? क्योंकि इतना बड़ा जाला बनने में समय लगता है, पेन उठाते ही इतना बड़ा जाला नहीं बन सकता है। जब एम्प्लॉय पेन उठाने नीचे झुका तभी उस समय उसने लॉकर के पास जाकर चोरी कर ली और वापस आकर बैठ गया। फिर उसने बीच की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी। इस तरह से चोरी की गई। इसलिए चोरी दूसरे नंबर के काउंटर पर बैठे एम्प्लॉय ने की है। वह एम्प्लॉय अपना गुनाह कबूल कर लेता है।